लंबे समय से बीमार चल रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने ही अपनी किडनी देने का फैसला किया है। रोहिणी आचार्य लालू यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी है जो सिंगापुर में रहती है। बताया गया है कि 20 से 24 नवंबर के बीच लालू कभी भी सिंगापुर पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लालू अपनी बेटी से किडनी लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। रोहिणी ने उन्हें किसी तरह तैयार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर के डॉक्टरों ने उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने अभी लालू को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी थी, लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें ओके कर दिया। लालू किडनी ट्रांसप्लांट की संभावनाएं तलाशने 12 अक्टूबर को सिंगापुर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती भी गई थी। लालू के सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद ही डॉक्टर्स ने लालू की जांच की थी और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी थी। इस दौरान लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की भी जांच हुई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली लौट गए। तब रोहिणी ने ट्वीट कर अपने पिता के साथ कई तस्वीरें भी साझा की थी।